फ्रेंड्स, फूड किट इंडिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। ये रेसिपी मेरी नानी की रेसिपी है और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। और ये रेसिपी बना रही है मेरी मम्मी। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इधर नारियल लिया है। नारियल को हमें वीडियो में जैसे दिखा है उसी तरह से कट करके लेना है। तो एक कप नारियल को कट करके लिया है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कट किए हुए नारियल को साइड में रख देंगे। साथ में लिया है 1/4 कप काजू। काजू को भी मैंने कट करके लिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में कट कर दिया है जैसे कि खाते समय अच्छा लगे। कट किए हुए काजू को भी साइड में रख देंगे। अभी मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डाला है 1 कप गेहूँ। गेहूँ को हमें ड्राई रोस्ट करके लेना है। और गेहूँ को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है जैसे कि नीचे से जले नहीं। और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। वो अच्छे से भुनने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अभी उसी कढ़ाई में डालेंगे 1/3 कप चावल। चावल को भी ड्राई रोस्ट करके लेंगे। जब तक चावल का कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। चावल भी अच्छे से भून गए हैं, इसको भी एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी उसी कढ़ाई में डालेंगे 1/2 कप पीनट। पीनट को भी ड्राई रोस्ट करके लेंगे। पीनट भी अच्छे से भून गए हैं, इसको भी एक प्लेट में निकाल के लेंगे। अभी हमें पीनट का छिलका निकालना है तो दोनों हाथों से रगड़ कर इसका छिलका निकाल लेंगे। तो पीनट का छिलका मैंने निकाल दिया है। अभी हमें सारी चीज़ों को ग्राइंड करके लेना है। सबसे पहले मिक्सी के जार में डालेंगे पीनट। पीनट को हमें दरदरा पीस के लेना है। पीनट पीसने के बाद अभी मिक्सी के जार में डालेंगे चावल और उसी तरह से गेहूँ को भी पीस के लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने पीस के ले लिया है। ये देखिए मैंने गेहूँ को पीस के ले लिया है, चावल और ये पीनट। पीनट को मैंने छान के लिया है। अभी हम उसको साइड में रख देंगे। अभी हमें चाहिए 2 कप गुड़। तो गुड़ को मैं नाइफ के हेल्प से कट कर रही हूँ। अभी मैंने गैस के ऊपर 4 कप पानी रखा है। पानी को गर्म होने दिया है। उसके बाद मैंने डाला है 2 कप गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे से मेल्ट कर दिया है। अभी गर्म पानी को हम छान के लेंगे जैसे गुड़ में कोई कचरा वगैरह हो वो निकल जाएगा। हम गुड़ के पानी को उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है जैसे कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। पानी को छानने के बाद जो हमने ग्राइंड करके गेहूँ चावल और पीनट लिए थे वो उसमें डालेंगे। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके ले लिया है जैसे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह पाए। अब इसमें डालेंगे कट किए हुए काजू। साथ में डालेंगे कट किया हुआ नारियल। और अच्छा फ्लेवर के लिए मैंने सौंठ, इलायची और जायफल का पाउडर बनाया है, वो उसमें डालेंगे 2 से 3 टीस्पून। सारी चीज़ों को एक बार फिर अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब इसमें अच्छा कलर आने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे।
अभी गैस के ऊपर मैंने बड़े तले वाला बर्तन रखा है और उसमें डाला है आधा कप देसी घी। देसी घी की रेसिपी आप मेरे चैनल में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उधर जाके आप देख सकते हैं। यह हलवा बनाने के लिए हमें बड़े तले का ही बर्तन चाहिए। घी को अभी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो गया, मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है। अब इसमें जो हलवे का मिश्रण है वो डालेंगे। पहले हम चम्मच के हेल्प से डालेंगे, बाद में डायरेक्ट डालेंगे। सारा मिश्रण डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जैसे कि सारा मिश्रण घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। एक से दो मिनट हम मिश्रण को ऐसे ही हिलाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले से हलवा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो अभी मैं इसमें पानी डालूंगी। एक कप पानी मैं इसमें डालूंगी। टोटल हमें हलवे में 5 कप पानी लगा है। तो पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है, जैसे कि हलवा नीचे से लगेगा नहीं। आप इस हलवे को जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगता है। इसको अच्छे से हिलाने के बाद उसको सेट करेंगे। अभी हमें हलवे के बर्तन को थोड़ा साइड में रखना है, क्योंकि गैस के फ्लेम के ऊपर मुझे अभी तवा रखना है। इधर मैंने लोहे का तवा यूज किया है, आप कौन सा भी तवा यूज कर सकते हैं। तवा नीचे रखने से हलवा हमारा नीचे से जलेगा नहीं, इसलिए रखना है। तो बर्तन को फिर से तवे के ऊपर रख देंगे। अभी मैं 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे ऊपर गैस चलाऊंगी, जैसे कि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हमें एक प्लेट रखना है। प्लेट को मैंने एक कपड़े से बांध के लिया है, जैसे कि अंदर की स्टीम बाहर ना जा सके। तो जैसे वीडियो में दिखा है उसी तरह से बांध के लेना है। और वो प्लेट रखूंगी मैं हलवे के बर्तन के ऊपर, और उसको टाइट करने के लिए मैंने उसके ऊपर एक पत्थर रखा है। अब 15 मिनट हलवे को हम लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। और इधर मैंने गैस की फ्लेम अभी लो रखी है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने 2 केले के पत्ते लिए हैं, उसको अच्छे से धो के लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा कट करके लूंगी एक्स्ट्रा कपार। कट किए हुए केले के पत्ते को मैंने अभी साफ करके ले लिया है, जैसे कि उसमें कोई कचरा वगैरह हो वो निकल जाए। पंद्रह मिनट हो गए हैं, अभी हलवे के ऊपर का ढक्कन निकालेंगे। हलवे को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे नीचे से, जैसे कि वो नीचे से लगेगा नहीं। जैसे हिलाने के बाद उसके ऊपर हमने जो अभी केले के पत्ते कट करके लिए वो रखेंगे। केले के पत्ते से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर भी आ जाता है, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं जमा हो जाता। केले के पत्ते अच्छे से सेट होने के बाद उसके ऊपर फिर से प्लेट से ढक देंगे। अभी हम हलवे को लो फ्लेम पे ही 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, अभी हम हलवे को चेक करेंगे। तो ये देखिए केले के पत्ते का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। पत्ते को अभी हम साइड में निकाल के रख देंगे।
आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हलवा हमारा बनके तैयार है। अभी हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा हलवा बना है, अच्छे से वो पक गया है। आप इस हलवे को तीन चार दिन तक आराम से खा सकते हैं। यह हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि हमने सारी चीज़ को भून के लिया है और देसी घी में बनाया है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।